क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये है ये डिमांड फंक्शन है, यानी कि हमारे पास ये तलब की मसावत दी गई है, जो कि हम थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसेस हमारे पास गिवन है P is equal to 10 and P is equal to 20. P is equal to 10, P is equal to 20. Prices 1 by 1 put करेंगे equation के अंदर. Q is equal to 100 minus P minus 0.1 P का square. Q is equal to 100 minus P की अगर हमारे पास 10, 0.1 10 का square. Q is equal to 100 माइनस 10 माइनस 0.1 100 क्यू इज इक्वल टू 80। ये डिमांड है। अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेनी इक्वेशन का, डी क्यू और डी पी। यहां आप डी भी लगा सकते हैं, डी फॉर डिमांड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी का। डी ओवर डी पी 100 माइनस P माइनस 0.1 का स्केल, कांस्टेंट 0 माइनस P का माइनस 1, पावर रूल लगाएंगे 0.2 P डी क्यू ओवर डी। जब आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन हो तो एहतियात करनी है कि आपने 1 बाय 1 प्राइसेस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पहले मैं पी टेन के साथ इसे सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला मुझे पता है डिमांड का, पी डी डी क्यू और डी पी, पी ओवर क्यू। डी क्यू और डी पी क्या है मेरे पास, माइनस वन 0.2 पी पी 10 क्वांटिटी 80 माइनस वन। इस क्वेश्चन में एक नई चीज है, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा उसमें कांस्टेंट होगा। अब ये नॉन लीनियर है तो इसमें आपको वेरिएबल भी नजर आ रहा है। आपने इधर प्राइस वो पुट करनी है जो आपने प्राइस इधर पुट की है, इनिशियल प्राइस माइनस 0.2 पी की जगह 10 10 बाय 80 माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल हो गए 1 बाय 8 माइनस 3 बाय 8। अब माइनस 3 बाय 8 लिख सकते हैं इसे, और माइनस 0.375 भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट प्राइस के साथ हमारे इलास्टिसिटी फाइंड हो गई। अब सेकंड प्राइस हमारे पास है 20। सेम प्रोसेस यही होगा जो मैंने पी टाइम के साथ किया है। क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस पी माइनस 0.2 सॉरी 0.1 पी का स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 20 0.1 20 का स्क्वायर, 100 माइनस 0.1 माइनस 40। अब डेरिवेटिव का जो इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया हुआ वो इक्वेशन लिखेंगे या आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। ईडी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी पी ओवर क्यू। डी क्यू ओवर डी पी है हमारे पास
over dp is minus 1 minus 0.2 p. p हमारे पास सेकंड p है 20, उसके ऊपर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 40। अब यहां जो हमने p की जगह वैल्यू पुट करनी है वो 20 करनी है, क्यों? क्योंकि प्राइस 20 है। पहले मैंने 10 पुट किया था क्योंकि हमारे पास पहले प्राइसेस 10 थी। ये एक नई चीज है इस क्वेश्चन में, माइनस 0.2 10 20 बाय 40 माइनस 1 माइनस 2 20 बाय 40 माइनस 3 2 बाय 4 माइनस 6 बाय 4 20 बाय 40 माइनस 6 बाय 4 सॉरी इधर मैंने 20 पुट कर दिया क्योंकि प्राइसेस क्या है 20। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा और ये मेरे पास है 5 माइनस 10 बाय 4 या इसे माइनस 1 बाय माइनस 2 बाय 5। अब हम इसको गोशवारा बनाते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, कीमत तलब तलब की अच्छा कीमत क्या है आपके पास 10 एंड 20, डिमांड क्या है 80 एंड 40। प्राइसेस इंक्रीज हुई, डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई। पहली प्राइस के ऊपर जो आपकी तलब की लचक है वो माइनस 0.375 है, माइनस शो कर रहा है कि प्राइस एंड डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, और दूसरी मेरे पास जो तलब की लचक है वो माइनस 2.5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 सेम ऐसे ही हैं, ये सब नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।